एपिसोड के स्टार्ट में शिराई सी बोल रहा होता है, फाइनली वो दिन आ गया है जिसका मैं वेट कर रहा था। और ये दिन होता है एक मांगा के फिल्म एडेप्टेशन के रिलीज का, जो कि फ्राइडे को होने वाली थी। तभी कुबो यहाँ पर आ जाती है। इसे देख के शिराई सी फिर घबरा जाता है। कुबो बोलती है, तुम काफ़ी अच्छे मूड में लग रहे हो। और शिराई सी इसे बताता है कि इसकी फेवरेट मांगा की मूवी आ रही है। कुबो बोलती है, क्या ये वही मांगा है जो तुमने मुझे दी थी पढ़ने को? शिराई सी कहता है, हाँ। कुबो बोलती है, वो काफ़ी बढ़िया थी और मैंने उसकी सारी वॉल्यूम्स कलेक्ट कर ली। और पूछती है, तुम किसके साथ जा रहे हो? शिराई सी कहता है, अकेले। तो कुबो भी कहती है, फिर साथ में चलने को और साथ में देखने के लिए मूवी। ये सुनकर शिराई सी फिर घबरा जाता है और कुबो कहती है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। अब वो दिन आ जाता है मूवी देखने का। शिराई सी काफ़ी नर्वस होता हमेशा की तरह। तभी कुबो यहाँ पर आ जाती है और ये साथ में जाने लगते हैं। ये बोलती है, मैंने आज पोनी टेल बनाई है, ये कैसे लग रहे हैं बाल मेरे? शिराई सी कहता है, अच्छे। और कुबो खुश हो जाती है ये सुन के। नेक्स्ट दिन में ये ट्रेन में होते हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। कुबो शिराई सी का बैग पकड़ लेती है, लेकिन अगले स्टेशन में और भी ज़्यादा लोग चढ़ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि शिराई सी कुबो से बिल्कुल चिपक सा जाता है और फिर कहता है, सॉरी मैं हिल नहीं सकता। कुबो मन में बोल रही होती है, ये ध्यान रख रहा है कि कहीं मुझे टच ना कर दे। पूरे रास्ते में लोग शिराई सी को धक्का दिए जा रहे होते हैं और शिराई सी के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सफ़र हो जाता है ये। लेकिन जैसे तैसे ये स्टेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें जाना होता है। यहाँ पहुँचने के बाद ये आगे जा रहे होते हैं थिएटर की तरफ। तभी रास्ते में कुछ लड़के कुबो को देख के इसके पास आ जाते हैं और बोलने लगते हैं, हे क्या तुम अकेली हो, हमारे साथ चाय पीने चलोगी? और शिराई सी बोल रहा होता है मन में। ऐसी सिचुएशन में कैरेक्टर हीरोइन के पास जाके कहता है, क्या मैंने तुम्हें इंतज़ार करवा दिया ज़्यादा? लेकिन मैं तो इसके पास ही हूँ, और ऐसा कहना काफ़ी अजीब होगा इसलिए। तभी फिर आगे जाके कहता है ये, एक्सक्यूज़ मी। ये सभी लड़की हैरान हो जाती है और कहते हैं, तुम यहाँ कब से हो? शिराई सी कहता है, स्टार्टिंग से। ये लड़का बोलता है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो एक दूसरे को? शिराई से कुछ बोलता इससे पहले कुबो कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर ये लड़के कहते हैं, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो फिर ठीक है, और खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। कुबो शिराई से को बोलती है, थैंक्स, मैं काफ़ी डर गई थी। शिराई से मन में कहता है, हाँ ऐसा तो होना ही था, मैं भी डर गया था। अब ये थिएटर पहुँचते हैं, लेकिन सभी सीट्स भर चुकी होती है ऑलमोस्ट, क्योंकि उन्होंने पहले ही टिकट बुक नहीं करी थी। तो अब कुबो इसे 4 बजे वाले शो की टिकट लेने को कहती है। शिराई सी कहता है, फिर हम घर लेट पहुंचेंगे। कुबो कहती है, कोई नहीं, ऐसे में हम दोनों एक साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ आर्केड, जनरल स्टोर, क्लोथिंग स्टोर जा सकती हूँ, फिर वो सारी जगह जहाँ हम दोनों साथ नहीं गए, बहुत मज़ा आएगा। और एक दूसरे के बगल में बैठेंगे मूवी के टाइम, इसलिए तो साथ देखने आए थे ना। और अगर मूवी देखने के बाद लेट भी हो गए तो तुम मुझे घर भी छोड़ोगे? मजाक कर रही हूँ। शिराई सी कहता है, वेल मैं छोड़ने ही वाला था वैसे। फिर मन में कहता है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? कुबो कहती है, शिराई सी थैंक यू। अब ये जाते हैं सबसे पहले कैफ़े में। यहाँ पे शिराई सी कॉफ़ी ऑर्डर करने का कहता है। कुबो कहती है, मैं भी यही लूँगी फिर। शिराई सी बोलता है, क्या कभी पी है तुमने कॉफ़ी? कुबो बोलती, नहीं मेरी सिस्टर पीती है, लेकिन उससे नींद में असर पड़ता है। हाजुकी और टामा कहते हैं कि मैं ज़्यादा यंग हूँ अभी कॉफ़ी पीने के लिए। शिराई सी इसे और कुछ ट्राई करने को कहता है, लेकिन ये सुन के कुबो मुंह बना लेती है। तो शिराई सी फिर कॉफ़ी मंगाता है दोनों के लिए। फिर पूछता है, क्या शुगर वगैरह लोगी तुम? कुबो पूछती है, तुम कैसे पियोगे? शिराई सी कहता है, मैं तो ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा। कुबो मन में कहती है, ये तो अडल्ट जैसा है पूरा। और कहती है, मैं भी ब्लैक कॉफ़ी ही पीऊँगी। लेकिन जैसे ही पीती है ये इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और शिराई सी की कॉफ़ी लेके पीने लगते हैं ये फिर। और कहती है, तुम्हारी भी ऐसी ही है। शिराई सी कहता है, हमने सेम ही तो ऑर्डर करी है। फिर शिराई सी इसके लिए शुगर और मिल्क लेने जा रहा होता है, लेकिन कुबो कहती है, मैं भी वही पीऊँगी जो तुम पी रहे हो, और मना कर देती है। शिराई सी अब लेकिन जाके शुगर और मिल्क ले ही आता है और कहता है, मैं ऐसे भी पी सकता हूँ, और दोनों के लिए नॉर्मल कॉफ़ी बना देता है। और कुबो अब आराम से पीती है कॉफ़ी और इसे काफ़ी बढ़िया लगती है। कुबो फिर कहती है, थैंक यू शिराई सी, मैं एकदम से एडल्ट नहीं बन सकती, लेकिन धीरे धीरे मैच्योर बनना काफ़ी बढ़िया है।
नेक्स्ट सीन में शिराइशी एक गेम खेल रहा होता है जो ये सियता के साथ भी खेलता है, लेकिन वो जीत नहीं पाता था। कुबो भी इसे ट्राई करती है और फर्स्ट चांस में ही जीत जाती है वो चीज़ जो सियता को चाहिए थी। तो ये शिराइशी को बोलती है, ये लो, ये उसे दे देना मेरी तरफ से। और इसके बाद कुबो इसे एक रेज़र भी देती है अलग तरीके की। फिर ये दोनों साथ में शॉपिंग करने जाते हैं और तभी कुबो को याद आता है कि मूवी का टाइम हो गया है। ये दोनों जल्दी भागते हुए पहुँचते हैं थिएटर में और अब ये साथ में मूवी देख रहे होते हैं। शिराइशी तो पूरा खो ही चुका होता है मूवी के अंदर और कुबो इसे ही देख रही होती है। मूवी ख़त्म होने के बाद कुबो इसे कहती है, मुझे खुशी है कि हम दोनों को सेम चीज़ पसंद है। शिराइशी, वैसे क्या तुमने नोटिस करा कि तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन से भरा हुआ था जब तुम मूवी देख रहे थे? तुम रेयरली ही एक्सप्रेशन दिखाते हो, तो ये काफ़ी मेमोरेबल था। शिराइशी एक कोने में जाके बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अपने आप से बात करना अजीब है। लोग मेरे साथ बात नहीं करते, अगर लोग मुझे खुद से बातें करते देखेंगे तो और ज़्यादा अवॉइड करेंगे। कुबो कहती है, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिराइशी बोलता है, एलिमेंट्री स्कूल से ही ऐसा है तो इसे चेंज करना काफ़ी मुश्किल है। कुबो कहती है, लेकिन तुम फिर भी आसानी से समझ आ जाते हो। अब ये दोनों ट्रेन में बैठ के वापस जा रहे होते हैं घर और शिराइशी कुबो को घर छोड़ता है। कुबो बोलती है, आज के बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें मज़ा आया? शिराइशी बोलता है, हाँ। कुबो फिर कहती है, अगली बार कहाँ चले फिर, मुझे बहुत मज़ा आया आज, सो आई होप हम दोबारा फिर कभी साथ जा सकें। शिराइशी कहता है, अगर तुम जाना चाहती हो तो ठीक है। कुबो बोलती है, तो प्रॉमिस करो। और शिराइशी इससे प्रॉमिस करके घर जाने लगता है और जाते वक्त बोल रहा होता है, कुबो ने कहा कि आज मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशंस थे। वो ये भी कहती हैं कि मुझे समझना आसान है एक्सप्रेशंस ना होने के बावजूद भी। क्या मुझे समझना इतना आसान है? और याद करने लगता है कुबो के साथ वो सारा का सारा टाइम जो इसने बिताया आज। और फिर कहता है, मैंने कुछ शो नहीं करा उस टाइम, राइट? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।